यूपी की एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गया है। कल यूपी सरकार ने प्रियंका की पेशकश मंजूर करते हुए एक चिट्ठी जारी की थी। लखनऊ के वृंदावन योजना इलाके में आज सुबह 10 बजे तक 1000 बसें उसके फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लखनऊ के डीएम को सुपुर्द करने के लिए कहा गया है। साथ ही डीएम को प्रियंका गांधी की तरफ से भेजे जाने वाले बसों को लेने के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किया गया है। इस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाबी खत भेजकर कहा कि देर रात 11:40 पर यूपी सरकार की चिट्ठी मिली है और सुबह 10 बजे तक बस हैंड ओवर करने के लिए कहा गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूर फंसे हैं, ऐसे में खाली बसों को लखनऊ भेजना संसाधनों की बर्बादी होगा। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने एक ट्विटर के माध्यम से 1000 बसों का एक राजनीतिक मैं कहूँगा एक तनाव छेड़ा, मगर यही राहुल गांधी और प्रियंका हम लोगों को यहाँ पे बस बॉर्डर पे लाने से बेहतर होता कि जो लोग राजस्थान से चलें या पंजाब से चलें या महाराष्ट्र से चलें वहीं से उनको बस देते तो उनको वहां से पैदल नहीं चलना पड़ता, इसकी भी तो चिंता आपको करनी चाहिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पत्र को लेकर लोक भवन गए, वहां हमने इनके अधिकारियों को दिया। कल दिन भर हम लोगों ने बसों को राजस्थान बॉर्डर पर लगा के इंतजार किया, अनुमति आज मिलेगी। और आज सवेरे जब सरकार ने कहा तो हम सूची लेकर तैयार थे, 3:30 बजे इनका बयान आया, 2:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम अभी कुछ देर में 1000 बसों की सूची ले आकर वहाँ देंगे और सरकार का सहयोग करने के लिए हम संकल्पित हैं। निश्चित रूप से हम श्रमिकों के इस दुख दर्द को नहीं देख सकते।